हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 5 सॉल्व करेंगे जो कि ग्राफ पर बेस्ड है बेटा। तो हम बहुत सी चीज़ें जानते भी हैं इसके बारे में। देखिए, जिस शीट पर हम जहां हम ग्राफ बनाते हैं उसे हम कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। क्षैतिज रेखा जो एक्स एक्सिस होती है हमारी, वो क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो खड़ी हुई लाइन होती है उसको हम वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, वाई एक्सिस, दैट इज अवर वाई एक्सिस। आपको पता ही है कि हम दो एक्सिस ड्रॉ करते हैं ग्राफ में, और इसकी वजह से ये हमारा चार हिस्सों में बट गया, चार हिस्सों में, है ना। तो चार हिस्से को क्या कहते हैं बेटा, क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। ये दिस इज अवर फर्स्ट चतुर्थांश, पहला क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब देखिए, आपको पता ही है यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है बेटा इस साइड, और इस तरह एक्स नेगेटिव है, ऐसे वाई पॉजिटिव ऊपर और वाई नेगेटिव नीचे। तो अब आप जब हम इस तरफ ड्रॉ करेंगे अपने पॉइंट्स, तो इसका मतलब एक्स भी पॉजिटिव और वाई ऊपर है तो ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे दोनों प्लस प्लस के पॉइंट आएंगे। यहाँ देखिए, एक्स नेगेटिव हो गया, वाई पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, और यहाँ एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। और हमेशा हम जब ये निर्देशांक लिखते हैं हमेशा एक्स की वैल्यू पहले लिखी जाती है ना। तो एक्स निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, भुज या एब्सिसा, और वाई को हम कोटि ऑर्डिनेट कहते हैं। जहाँ ये दोनों लाइंस आपस में काटती हैं वो हमारा मूल बिंदु या ओरिजन होता है ना। तो ये सब बेसिक नॉलेज हमें बहुत अच्छे से पता है। आप ये जानते हैं ना बेटा कि हमें जब किसी चीज़ की लोकेशन बतानी होती है तब हम ये ग्राफ का यूज़ करते हैं। अगर मेरे को अपने क्लास में ही सिटिंग अरेंजमेंट चेक करना है कि पहली लाइन में, दूसरे कॉलम में, है ना, या दूसरी पंक्ति में बच्चा बैठा हुआ है, तो आप उसे कैसे शो करेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पे हमने देखा ये थर्ड लाइन है और सेकंड इधर से है, है ना, एक तरफ रो है एक तरफ कॉलम है। तो हमने क्या पोजीशन इसकी लोकेट कर रही है, इसकी 3-2, यानी कि ये थर्ड लाइन में दूसरे सीट पर बैठा है, इसका मतलब ये है बेटा। अब आप ऐसे ही यहाँ पे ये समझ ही गए हैं कि निर्देशांक जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें पहला हम भुज कहते हैं और सेकंड इज वाई, कोटि कहा जाता है जिसे। नेक्स्ट हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। कार्तीय तल पर किसी बिंदु की स्थिति दिखाने वाली क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो क्या कहते हैं बेटा उसे, एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष। हमें सिंपल टर्म्स जरूर पता होना चाहिए, एक्सिस मतलब अक्ष। कार्तीय तल पर किसी वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर, जो सीधी खड़ी है, वाई एक्सिस। इन दोनों रेखाओं द्वारा बना प्रत्येक भाग वो हमारा चतुर्थांश है। क्वाड्रेंट, वह बिंदु जहां ये दोनों रेखाएं काटती हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ओरिजिन या मूल बिंदु, मूल बिंदु, है ना। नेक्स्ट देखिए, हमें क्वेश्चन दिया गया है और इसके आंसर करने, बिंदु बी के निर्देशांक बताइए, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो बी कहाँ पर है, देखिए बेटा बी ये है ना। तो अब बी पे देखिए, बी किस तरफ जा रहा है, पहले हमें हमेशा एक्स की वैल्यू देखनी है, या तो आप इधर देखेंगे या इधर देखेंगे। तो यहाँ पे बी आ रहा है माइनस फाइव के ऊपर आ रहा है ना, तो इसका मतलब एक्स उसका बन गया, भुज उसका बन गया -5 एब्सिसा। और उसके बाद आप ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, तो ऊपर कितना जा रहा है, ये 2, तो इसका मतलब कोटि कितना है, 2, हमारा पॉइंट बन गया -5, 2। ऐसी बिंदु सी के चेक करेंगे, बिंदु सी ये देखिए इधर, तो पहले आप एक्स पे गए, दैट इज 5, फिर से हम 5 लिख देंगे यहाँ पे, और अब वाई देखिए, वाई नीचे जा रहा है, तो कितना है ये नीचे, -5 के सामने, तो पॉइंट बन गया 5-5।
घटा तीन घटा पांच, तो घटा तीन ये है इधर और घटा पांच ये है, तो कौन सा बिंदु है बेटा? ये ई, यहाँ आप ई लिख देंगे। और इसके साथ ही एक मैंने आपको ये दिया है, आपको जितने भी पॉइंट्स यहाँ दिख रहे हैं है ना, उन सब के कोऑर्डिनेट लिखिए बेटा। तो बहुत ध्यान से आपको करना है, ये आपके लिए बहुत छोटा सा काम है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसे। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।